आजमगढ़ से शादी समारोह में शामिल होने आए एक मासूम की आदर्श भारती विद्यापीठ खेतासराय के पास शनिवार को ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से बारातियों में अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की। समय रहते पहुंची पुलिस ने जाम लगने से बचा लिया। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार भारतीय विद्यापीठ मोहल्ला निवासी इश्तियाक कुरैसी के यहाँ शनिवार को गोरखपुर के बड़हलगंज से बारात आई थी। घर के सामने आदर्श भारतीय विद्यापीठ परिसर में बारातियों के खान पान व ठहरने की व्यवस्था थी। दोपहर में पहुँचे बारातियों का स्वागत चल रहा था। जलपान के बाद बाराती खाना खाने लगे। इस दौरान सड़क पार करते समय 8 वर्षीय सुबहान पुत्र वसीम जौनपुर की तरफ से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया और ट्रक से कुचलकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खाना पीना छोड़कर बारातियों समेत स्थानीय लोग मौके पर दौड़ पड़े और ट्रक चालक को पकड़कर पीट दिया। मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव ने चालक को भीड़ से छुड़ाकर कब्जे में ले लिया। आक्रोशित भीड़ सड़क जाम करने लगी। मौके पर SDM राजेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार के साथ सर्किल के सभी थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने पर रास्ता साफ करा दिया गया। मृतक सुबहान अपनी मां के साथ तकिया आजमगढ़ से यहां शादी में शामिल होने आया था। पिता वसीम खाड़ी देश में हैं। घटना से शादी की खुशियां गम में बदल गई। इस घटना से हर कोई मरमाहत दिखा। संयोग है, क्षत्रिय रास्ता है, इसमें पास करना है, सारी कुछ करना है। हेलो